हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट आ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल तो आज हम बात करेंगे अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि ये कैसे बना और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी फिर हम बात करेंगे इसके डिफरेंट फंक्शंस के और लास्ट हम इसको कंक्लूड करेंगे अबाउट डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रिटन लॉज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ये कुछ सेट ऑफ रिटन लॉज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हमारे किस में आर्टिकल्स में शेड्यूल्स में और इसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी होते हैं प्रिंसिपल्स वो किन के लिए होते हैं बोथ फॉर द सिटीजन एंड एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट तो ये डेवलप करता है अ रिलेशनशिप बिटवीन बोथ पीपल एंड द गवर्नमेंट तो ये एक बैलेंस्ड गवर्नमेंट बनाने के लिए बैलेंस्ड गवर्नमेंट एक कंट्री जो है बिल्कुल बैलेंस चले उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है तो दिस इज अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंक्शंस भी होते हैं जिससे कि हमें अबाइडेड या जिससे हमें बंधे हुए रहना होता है तो चलिए हम समझते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इसका फंक्शन क्या है तो जैसे आप इसको ऐसे समझिए हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री है बिल्कुल उसमें हमारे डिफरेंट रिलीजन्स हैं डिफरेंट लोगों के डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हैं उनके डिफरेंट हॉबीज़ हैं लाइक्स हैं डिसलाइक्स हैं और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ भी हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक कंट्री है तो उसमें जो सारे लोग हैं उनकी जो भी पर्सपेक्टिव हो वो बिल्कुल सेम हो ऐसे ऐसा होने का बहुत चांसेस है कि जो डिफरेंट लोग हैं उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो और वो आपस में क्लैश कर जाएं तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक कुछ सेट ऑफ बेसिक रूल्स हो जो कि सारे लोग उसको इक्वली फॉलो करें और आपस में क्लैश ना हो कोई किसी के भी आइडियोलॉजी का कोई क्लैश ना हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन है ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है ताकि मिनिमल कोऑर्डिनेशन हो अमंग किसके कोऑर्डिनेशन किन का चाहिए कोर्स जो भी पीपल हैं उनके बीच हमें मिनिमल कोऑर्डिनेशन चाहिए और जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं उन सारे के बीच में एक हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन क्या है तो सेकेंड फंक्शन ये हो सकता है कि जैसे देखो अब हमारे पास इतने सारे लोग हैं उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं तो हमने उनके लिए बेसिक रूल्स तो बना दिया लेकिन वो जो बेसिक रूल्स हैं उनको फॉलो कौन करवाएगा उनको जो भी बेसिक रूल्स हैं उनको बनाएगा कौन तो ये आता है उनका कि फंक्शन कि अब ये जो रूल्स हैं उनको कौन बनाए तो ये है हमारी ये हो जाएगा फिर सेकेंड फंक्शन ऑफ कंस्टिट्यूशन कि पावर्स जो हैं वो किनके पास हो जो भी सोसाइटी के जो डिसीजन मेकिंग पावर हैं वो कौन हो तो ये है उसका सेकेंड फंक्शन कि वो जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है उनको वो बनाए जैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं कोई डेमोक्रेटिक होता है कोई ऑटोक्रेटिक होता है, है ना कहीं मोनार्की होता है हमारे यहाँ इंडिया में क्या प्रिवेल करता है डेमोक्रेसी और हमारे यहाँ गवर्न गवर्नमेंट किन का होता है यानी डिसीजन मेकिंग पावर कौन सा होता है हमारा यस yes, ऑब्वियसली हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो ये यह, यहाँ तक हमने बात की अबाउट डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो फर्स्ट फंक्शन था और एक डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए ताकि लोगों में क्लैश ना हो अब देखिए जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि अब डिफरेंट जब हमने ऑर्गन्स बना दिए गवर्नमेंट के डिफरेंट उनके पास पावर है तो ऐसा भी होता हो सकता है कि गवर्नमेंट है जो वो सप्रेस करने लगे अपने सिटीजन्स को या ऐसा भी हो सकता है कि जिनको पावर है जिनको ज़्यादा पावर है वो लेस पावरफुल को भी सप्रेस करें तो उनके लिए भी लिमिट बनाया गया किन को अबाउट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है जो भी गवर्नमेंट मेकिंग बॉडीज़ हैं उनको क्या होना चाहिए कि उनके पावर पे कुछ लिमिटेशन लगा देना चाहिए ताकि जो भी सिटीजन्स हो वो अपनी आज़ादी या जो भी उनके राइट्स हैं उनको वो इक्वली इन्जॉय कर पाएँ तो दिस इज़ द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू सेट सम लिमिट्स किन पे ऑन गवर्नमेंट ताकि वो अपने सिटीज़न पे कुछ ज़बरदस्ती का इम्पोज ना कर पाए और ये जो भी ये जो भी हैं लिमिटेशंस वो क्या है फंडामेंटल इन द नेचर और गवर्नमेंट इन इनसे कभी नहीं नकार सकती है जैसे क्या हो सकता है हमारा ह्यूमन राइट्स जैसे हमारा फंडामेंटल राइट right है जो कि गवर्नमेंट हमें जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला हुआ है और गवर्नमेंट कांट इसको ट्रेस पास नहीं कर सकती है और ये है कुछ इक्वालिटी जो कि हमारे बर्थ राइट हैं जो हमें इक्वल बींग ह्यूमन बींग हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं तो यहाँ तक हुए हमारे थ्री फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अब देखो ये तीनों फंक्शन के जो हमारे तीन फंक्शन हमने पढ़ा इसका क्या सिग्नीफिक्स विकेंस हो सकता है कुछ सेट ऑफ़ बेसिक रूल्स हैं हमने कुछ गवर्नमेंट बना लिया उस पर कुछ लिमिटेशन भी लगा दिया तो अब इसका क्या मतलब हो सकता है इसका सिंपल मतलब ये हो सकता है कि इन तीनों चीज़ों की कुछ एक सिंपल टारगेट होगा बिल्कुल तो उसका टारगेट क्या होगा कि एक जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो पाए तो ये निकल कर आता है फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि गवर्नमेंट को वो इनेबल करे कि जो भी सोसाइटी के एस्पिरेशंस हो अपने वो लिमिट में रहते हुए उनको वो फुलफ़िल करे और ऐसा एक इन्वामेंट बनाए ऐसा एक कंडीशन बनाए जिससे कि एक जस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो ताकि सब लोगों की उनकी इक्वालिटी उनकी लिबर्टी उनकी जस्टिस उनको मिले और कहीं भी इनक्वालिटी जैसा कोई फेज ना हो और एक हैप्पी सोसाइटी का फॉर्मेशन हो पाए तो ये थे कुछ चार फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी सॉरी चार फंक्शंस ऑफ द कंस्टिट्यूशन अब देखते हैं आगे क्या है ये है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल तो जैसे आप अपने घर का एक एग्जाम्पल लीजिए जैसे हम अपने घर में तो हमारे डिफरेंट रिलेशन हैं हम किसी के भाई हैं बहन हैं कजन हैं सिस्टर हैं स्कूल में हम क्या हैं स्टूडेंट हैं टीचर हैं फ्रेंड्स हैं तो ये तो हुआ हमारा एक ऐसा सोशल पर्सपेक्टिव और अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें पॉलिटी की बात करें तो हमारी ये क्या हो जाएगी हमारी कुछ पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें क्या है ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल हों हम उनको एग्री करें हम उनसे फॉलो करें हम उनसे अबाइडेड बाई रहें जो भी उनका नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स है क्योंकि वो हमारे नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल जो बनाए गए वो हमारे अकॉर्डिंग बनाए गए और हमें जिनमें बेनिफिट होगा या हमें हम जिनमें एक फील और एक सिक्योरिटी का भाव देख पाएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाया गया है तो ये है कुछ उनके पॉलिटिकल आइडेंटिटी नेक्स्ट है अबाउट हमारा मॉरल आइडेंटिटी हमारा मॉरल आइडेंटिटी क्या कहता है कि जैसे हम किसी एक सोसाइटी के मेंबर हैं कहीं के मेंबर हैं तो हमारी कुछ मोरालिटी बनती है कि हम अपने बाकी मेंबर से कैसे बिहेव करें तो ये एक फंडामेंटल वैल्यू देता है जो कि ट्रेस पास नहीं होना चाहिए मतलब क्या उसको हम नकारें नहीं एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी हम उनको अपने पास रखें और हम उनके उनसे बंधे रहें और उनको कभी भी वायलेट ना करें तो ये है कुछ हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी जो हमारी ऐसी होनी चाहिए फिर है एक नेशनल आइडेंटिटी जैसे बाकी कंट्रीज़ में क्या है डूबल सिटीजनशिप मिलता है उन्हें लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है हम एक सिंगल सिटीज़नशिप लेते हैं जैसे आप भी अब होंगे जैसे हम हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं और क्या हो सकते हैं हम डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं लेकिन ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इथिनिक आइडेंटिटी को कंसिडर नहीं किया एज अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप उसने एक ही सिटीजनशिप को दिया एज अ इंडियन उन्होंने कोई डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग नहीं कहा ऐसा अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अथॉरिटी है जो बनाने का जो प्रोसेस था उसमें अब बात आई कि वो कैसा बनना चाहिए तो एक फर्स्ट था मोड ऑफ प्रोमोलगेशन फिर हुआ सब्सटांसिड प्रोविजंस और हुआ बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन तो प्रोमोल्गेशन मतलब कि इसमें जो विस्तार हो वो कैसा हो जो भी हो फॉर्मेशन हो वो किस टाइप की हो तो इसमें कहा गया कि वो ऐसा ऐसा कंस्टिट्यूशन बनाया गया जो कि पीपल से ही लिया जाए ऐसा ना हो कि उसको बाकी जो गव गवर्निंग बॉडीज़ हैं वो उन उनपे इम्पोज कर दें जैसे बाकी बाकी कंट्रीज में क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटी होते हैं या फिर जो अगर पुअर भी गवर्नमेंट है तो उन्हीं की बात हो जाती है और लोगों को कुछ कुछ उसमें कहना नहीं होता है लेकिन हमारे यहाँ ये जो भी कंस्टिट्यूंट असेंबली बना था उसमें क्या था कि डिफरेंट सेक्ट्स के ग्रुप थे लोग थे सारे और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट परस्पेक्टिव थी उन्होंने अपने अपने सेक्टर का अपना प्रॉब्लम आगे लाया तो इससे क्या हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो हमारा डाइवर्स डाइवर्सिफाइड बना तो इसमें क्या था फ़र्स्ट कि वो पीपल से ही ड्रॉन किया गया था और रेफरेंडम नहीं था रेफरेंडम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि गवर्नमेंट आज़ादी देती है अपने सारे सिटीजन्स को कि आ आप या आप एक तरफ आपको जो भी रूल्स है उसमें आपके यस है आप हाँ का हैं उसके साथ हैं या आप उसके साथ नहीं हैं तो ये इंडिया में ऐसा नहीं बोला गया बोला कि नहीं रेफरेंडम नहीं होगा बाकी कंट्रीज में रेफरेंडम को फॉलो किया जाता है बट बोला गया नहीं रेफरेंडम नहीं हम देखेंगे कि जो हमारे कंट्रीज़ के लिए बेस्ट है हम उन्हें फॉलो करेंगे तो ये था उनका मोड ऑफ प्रोमलगेशन फिर है सब स्टांसिव प्रोविजन कैसा प्रोविजन होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो तो उसमें होना चाहिए फ्रीडम और इक्वालिटी जो भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं जो भी मेंबर हैं उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए और उनमें इक्वालिटी भी होनी चाहिए तभी तो जो हमारा एसेंस है कंस्टिट्यूशन का वो बिल्कुल सही हो पाएगा है कि नहीं और सेकेंड इसका क्या था सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल मिलनी चाहिए कि वो कंस्टिट्यूशन के साथ चले कहीं ऐसा ना हो उनको इतना रिजिड ना बना दिया जाए कंस्टिट्यूशन को कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ फॉलो ही ना करना चाहें तो ऐसा बनाया जाए इसे कि वो सबके लिए एसेसिबल हो और सबको वो सबको वो अपॉर्चुनिटी मिले कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके वो साथ रहें फिर अगर इंस्टीट्यूशन बनाना है तो इंस्टीट्यूशन का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए यह भी बात हुई तो उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए उनको फ्रेगमेंट में डिवाइड किया कि ऐसा ना हो कि कोई एक ऑर्गन है या कोई एक गवर्नमेंट का बॉडी है तो वो अपने पावर्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ करे और बाकी गवर्नमेंट ऑफ बॉडी के पास कुछ पावर ही ना रहे तो इनको हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट में डिवाइड किया थ्री पार्ट्स में एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटिव में और जुडिशियरी में और इनको पावर्स दिए गए ताकि इन तीनों में चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज़्म रह, रह सके ताकि अगर किसी एक की गलती हो तो उसे बाकी दो चेक कर पाएँ कि देखिए आपकी यहाँ गलती हो रही है और उनको एक बेटर तरीके से उनको करेक्ट किया जाए और ये एक डायनेमिक इन नेचर था डायनेमिक इन नेचर मतलब एट द टाइम वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है डिपेंडिंग ऑफ ऑन द सिचुएशन सिचुएशन जैसा भी होगा उसके हिसाब से उसे या तो अमेंडमेंट करके उसे फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा क्योंकि हमारी सोसाइटी तो चेंज होती रहती है और अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें एज अ रिजिड छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब चलिए आगे चलते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था पहले क्या था कि सारे प्रोविंस और जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया को उनको क्या किया गया उनको डिवाइड कर दिया गया अमंग मुस्लिम सिख एंड जनरल पॉपुलेशन उनके प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया गया और फिर जो सीट्स थी उनको एलोको, एलोकेट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू दियर पॉपुलेशन कैसे वन इज़ टू वन लैख ऐसा पॉपुलेशन उनको बांट दिया गया कि चलो ऐसा करके आप अपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो भी सीट्स हैं उनको आप डिवाइड कर लीजिए और उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसके थ्रू सारे रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया गया कि आपके कम्युनिटी के कैसे होंगे जो भी आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में होता है कि जो भी आदमी जो भी हैं जिनको भी जितनी परसेंटेज की सीट मिली है जितना वोट मिला उनके अकॉर्डिंग उनको उनकी परसेंटेज की सीट मिल जाएगी और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में होता है कि जो मिनिमम है जिनको सबसे कम मिला है उनकी जो ट्रांसफर हो जाएगी सीट किन में जो सेकेंड नंबर पर उनको ये ट्रांसफर हो जाएगा सारा सीट दैट इज़ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो ये था ऐसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन हुआ चलिए आगे चलते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाने के लिए कंस्टिट्यूंट असेंबली की जरूरत थी जो कि उन पर डिस्कस करता करते हैं उस पर लोग और बात करते कि इनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या कौन कौन चीज़ों को हटाने की भी जरूरत है तो इसमें देखा गया था कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो बहुत वायलेंस हुए थे और बहुत नई नई चीज़ें निकल के आई थी जिनको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना ज़रूरी था जैसे कि अगर कहीं कोई कोई एक्सटर्नल आदमी आ जाए तो या फिर जैसे हम बोलते हैं ना रिफ्यूजीज आ गए हैं या फिर कोई रिबेलियन या आर्म रिबेलियन हुआ है तो उनको भी अंडर कंसिड्रेशन लेके एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया और इन पॉइंट्स को ध्यान में लेते हुए बनाया गया कि अगर ऐसा सिचुएशन कुछ आगे होता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए फिर ये हमारा डाइवर्सिफाइड एम असेंबली था जिसमें कि डिफरेंट सेक्ट्स के लोग थे जैसे हमारा शेड्यूल्ड क्लास क्लास के भी कास्ट के भी लोग थे और डिफरेंट जनरल और हर तरह के सिख मुस्लिम और माइनॉरिटी सारे कम्युनिटी के लोग इसमें इक्वली डिवाइडेड थे प्रिंसली स्टेट्स के भी थे और ब्रिटिश इंडिया के भी थे अब देखिए मेबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ ये मेम्बर्स हैं जैसे कौन थे बी आर अम्बेडकर एन गोपाल स्वामी अयंगर और के एम मुंशी इन स, इन सभी ने मिलकर इनका काफी हम कह सकते हैं काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है जो हमारा कंस्टिट्यूशन है उसको बनाने में टी कृष्णा मचारी सईद मोहम्मद सदादुल्ला एंड माधवरान एंड अलाउदी कृष्णा स्वामी अय्यर इन सब इन सभी का बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे जो भी कंस्टिट्यूशन है उनमें इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है अब देखियो इनका प्रोसीजर्स क्या था कंस्टिट्यूंट असेंबली जो हमारा उनको दो साल ग्यारह महीने और अठारह दिन लग गए पूरे कंस्टिट्यूशन को बनाने में क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है और उनमें एक 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 लोगों के एक एक नीड और उसके एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर बनाना जाए तो ये इतना टाइम इन, इनको लग गया और और इनका जो एडोपशन हुआ था हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो था छब्बीस नवंबर नाइनटीन को और इनको एक्शन में लाया गया ऑन ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को जिसे हम एज अ रिपब्लिक डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के भी नाइन नाइनटीन थर्टी फाइव के भी बहुत सारे चीज़ों प्रोविजंस को लिया गया जैसे डाईआर सिस्टम रूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उनको एबॉलिश कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइनटीन थर्टी फाइव के अकॉर्डिंग तो चलो अब है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने काफ़ी चीज़ों को बोरो किया था कुछ नेशनलिस्ट मूवमेंट से भी हम लोगों ने आइडियाज़ लिए थे जैसे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था वो दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स और दिसंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन के बीच में ही कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ही उस टाइम पे वो फ्रेम हो गया था और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने इतनी सारी सीख सीख ली थी उनके गवर्नमेंट का कैसे फॉर्मेशन होता है वो गवर्नमेंट कैसे चलता है उनसे हमने प्लानिंग और एक्सपीरियंस उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये ले लिया था और जो हमारे नेहरू साहब थे उन्होंने भी जो रिजोल्यूशन थे उनको उन्होंने नाइनटीन में या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही उनको देखना शुरू कर दिया था कि हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड उन्हें कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर डाइवर्सिफाइड कंट्री और रिजोल्यूशन ये जो हमारा था रिजोल्यूशन के बेसिस पे जो भी रिजोल्यूशन हुए थे 1946 के उनके बेसिस पे इक्वालिटी को लिबर्टी को डेमोक्रेसी डेमोक्रेसीनटी और कॉस्मोपोलिटन आइडेंटिटी इन सारे वैल्यूज़ को लेते हुए एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और यही था यही कहने का मतलब है कि नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमने काफ़ी चीज़ों को इनहेरिट किया काफ़ी चीज़ों को बोरो किया अब देखिए इंस्टीट्यूशनल का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए है कि नहीं अब जब हमने इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए तो वो होना चाहिए था डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं कि राजतंत्र हो या कोई और गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक मतलब क्या जनता इज़ जो भी है सिटीज़न उनको टॉप पे रखने के लिए उनकी ही डिसीज़न उनका ही जो भी एक्सपीरियंस है उनको एक टॉप पे रखने के लिए और वेलफेयर ऑफ़ द पीपल का उनका कमिटमेंट कि वेलफेयर ऑफ़ पीपल को हमेशा जब पीपल से ही इलेक्टेड हुए हैं तो उनके वेलफेयर को एकदम टॉप प्रायोरिटी दी जाए फिर था कि फॉर्मेशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन लजिसलेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जडिशरी ताकि जो सेपरेशन ऑफ पावर हो जो डिवीजन ऑफ़ पावर हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज सबका जो फंक्शन हो वो इक्वली सब देख पाए फिर था पार्लियामेंट्री फॉर्म को अडॉप्ट किया गया ताकि लजिसलेटिव और एग्जीक्यूटिव बनाया जाए और फेडरल अरेंजमेंट लिया गया इन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक जैसे सेंटर है तो वही पावरफुल है हाँ कहीं कहीं है बहुत मतलब कई कई एस्पेक्ट्स ऐसे दिए गए हैं जैसे कि सेंटर लिस्ट प्रिवेल किया कर दिया जाता है सेंटर को प्रिवेल कर दिया जाता है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है सेपरेशन ऑफ पावर है वो सेंटर और स्टेट को इक्वालिटी के थ्रू दिया गया है और पार्लियामेंट्री फॉर्म में हमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों को वैल्यू दिया है और ये अदर कंस्टिट्यूशन से भी बोरो किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन जो कि डाइवर्स है और प्रॉब्लम और एस्पिरेशन जो इंडिया का है उसको कीपिंग इन माइंड उनको माइंड में करते हुए उनको बोरो किया गया है क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके डिफरेंट सॉल्यूशन हैं बट जब वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होता है तो वो कुछ अलग निकल कर आता है तो इंडिया के उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उसके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए यह जो बोरो किया गया था इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए बोरो किया गया था अब जो हमारा प्रोविजंस है उनको कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उनको डिफरेंट कंस्टिट्यूशनस के डिफरेंट कंट्रीज से उनको अडॉप्ट किया गया था जैसे जैसे देखिए आप जैसे ये हमारा एक मिनट जैसे ये हमारा जो आयरिश का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है जुडिशियल रिव्यू लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी इक्वाली फ्रेटर्निटी ये सब वगैरह लिया है आप यहाँ देख सकते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने भी बात की थी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने डिफरेंट क्वाजी फेडरल जुडिशल सिस्टम लिया है और ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने फर्स्ट पास द पोस्ट जो हमारा सिस्टम है इलेक्शन का जो हम आगे पढ़ेंगे उसका भी लिया है और लॉ मेकिंग प्रोसीजर ये सब जो है जो हमने डिफरेंट चीज़ों को वो बॉ किया किससे अ नंबर ऑफ प्रोविजन फिर विद द डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज से हमने उनको बॉरो किया ताकि जो हमारा हो वो एकदम वेल एंड फुल प्रूफ जो भी हो हमारा कंस्टिट्यूशन हो वो बेस्ट बन पाए फिर हमने ये देखा कि अब चलो देखते हैं कि जब हमने इतनी चीज़ों की बात की तो अब ये देखते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ़ीचर्स कैसा है तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कुछ फीचर्स है यहाँ आप देख सकते हैं इसमें फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी है इसलिए इसको लाइव डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है ये फेडरल गवर्नमेंट है फेडरल फॉर्म है फेडरलिज्म है इसमें, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन टू है ना टू बॉडीज के बीच में और यूनिटरी भी है लेकिन यूनिटरी इस इस सेंस में हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पावरफुल सेंटर है हालांकि पावर तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है सेंट्रल एंड स्टेट में बट हम इसे यूनिटरी कहते हैं क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये बिटवीन दोज हैं है ना और मेन इसके फेडरल फीचर्स कॉन्फ्रॉन से हैं ये लार्जेस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट है अभी तक का ये लार्जेस्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट है ये फ्लेक्सिबल कंस्टिट्यूशन है बोथ अगर आप चाहें तो इसे अमेंड अमेंड भी इसका अमेंडमेंट प्रोसीजर भी है और कहीं ऐसा भी है कि किस कि, किसी किसी प्रोविजन में ऐसा भी है कि इनको बिल्कुल भी अमेंड नहीं किया जा सकता है और ये हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट और हमारे जो थ्री ऑर्गन्स हैं जो हमारा लेजिस्लेटिव जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव है उसमें सुप्रीम किसे दी गई है जुडिशियरी को और हमने एक बाई कैमेरल लेजिसचर को अडॉप्ट किया जिसमें टू गवर्नमेंट है जैसे हमारा है ना लोकसभा एंड राज्यसभा वही है बाई कैमेरल हमारा लेजिस्लेचर है तो यहाँ तक आज हमने बात की अबाउट अबाउट uh, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की उसके फंक्शन की बात किया कंस्टिट्यूंट असेंबली के कम्पोजिशन की बात की और लास्ट में हमने डिस्कस किया अबाउट द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो चलिए थैंक्स फॉर बीग विथ मी आपने अपना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया प्लीज़ सपोर्ट अस ये है हमारा चैनल ताकि हम स्ट्रीम ऑनलाइन कर सकें और अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं